दिखा रहे हैं दिल्ली के हालात और इस समय की हालात। कभी कभी ऐसा होता है कि शब्द की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तस्वीरें बोलती हैं, तस्वीरें चलती हैं, तस्वीरें दौड़ती हैं और तस्वीरें समय से भी तेज चहलकदमी करती हैं। तो इस समय इस दिल्ली में ये देखिए जो लिखा हुआ है, राजघाट, नोएडा, ITU आश्रम, यहाँ की तस्वीरों ने समय को पीछे छोड़ दिया है, इन तस्वीरों ने समय को स्तब्ध कर दिया है, इन तस्वीरों ने समय को बांध लिया है, इन तस्वीरों ने समय की नब्ज पर हाथ रख दिया है और इतिहास ने इन तस्वीरों को दर्ज कर लिया है, क्योंकि 43 साल के बाद दिल्ली की तस्वीर सामने आई है। और यहाँ पर मैं अकेला नहीं हूँ, यहाँ पर देखिए यहाँ प्रतीक्षा करती हुई ये बस है, यहाँ प्रतीक्षा करता हुआ ये लोडर है, यहाँ प्रतीक्षा करती हुई ये ट्रक है, इन सबको प्रतीक्षा है यहाँ से निकलने की। लेकिन और ये देखिए ये अचानक हुआ है और ये इसलिए हुआ है कि यहाँ इनको निकलने की प्रतीक्षा और कुछ लोगों को तैरने की प्रतीक्षा है। ये वो जगह है जहाँ पर हमने देखा है, हमने वक्त के आईने में देखा है, यहाँ पर भीड़ देखी है हमने, यहाँ पर बसों की, DTC की बसों की, यहाँ रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हाँफते दौड़ते लोग देखे हैं, यहाँ पर वक्त से तेज़ कदम ताल करते हुए इंसान की रफ्तार को देखा है। लेकिन आज यहाँ पर सब कुछ रुक चुका है, सब कुछ डूब चुका है, सब कुछ एक अजीब किस्म के सन्निपात का शिकार हो चुका है। और ये जो सन्निपात है ये समय का सन्निपात है, ये रोज नहीं होता है, ये कभी कभी होता है, लेकिन ये जब भी होता है तब भी ये वक्त के एक पूरे के पूरे समूचे हिस्से को रोक देता है। और ऐसी वही तस्वीरें और जरा प्रवीण भाई इधर दिखाइएगा, मैं कुछ चीजें आपको और दिखाता हूं। देखिए मैं कोशिश बहुत देर से कर रहा हूं, इसके पहले मैं आगे था, लाल किले के ठीक बगल में हूं मैं, और कोशिश कर रहा हूं कि जहां पर ये जो सामने हमको दिख रही है लोडर ट्रक दिख रही है, देखिए इसमें लिखा क्या है, प्रवीण भाई दिखाइए, इसमें लिखा है हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, दिखाइए हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। और ऐसा लग रहा है कि इस ट्रक के पास कुछ शब्द हैं, ऐसा लग रहा है कि इस निर्जीव ट्रक में से कुछ भावनाओं की अभिव्यक्ति हो रही है। और ये जो भावनाओं की अभिव्यक्ति है, ये भावनाओं की अभिव्यक्ति, ये ट्रक दिल्ली के हालातों की प्रतिनिधि बन चुकी है और दिल्ली के हालात बयां कर रहे हैं कि हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, दूसरा कोई बचाने वाला नजर नहीं आ रहा है। और यहाँ पर एक लाइन से हमको बसें और ट्रकें डूबी हुई नजर आ रही हैं और मैं लाख कोशिश करके भी हार जा रहा हूं, इसके आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं, जो कि इसके आगे बढ़ने के बाद मैं तैर करके उधर पहुंच तो जाऊंगा लेकिन यहां से लाइव नहीं कर पाऊंगा। ये जो इस आपातकाल में जो पत्रकारिता का धर्म है वहां पर चूंकि पानी गर्दन तक आ चुका है और ये लक्ष्मण रेखा है, इस लक्ष्मण रेखा को लांघ नहीं सकते, चाहे वो रामायण का काल हो चाहे आज का कलयुग हो, लक्ष्मण रेखाएं नहीं लांघने के लिए बनी होती हैं। और हम इस समय चलते हैं रिंग रोड पे, हमारे साथ में हमारे संवाददाता अवधेश मौजूद हैं। अवधेश, रिंग रोड का हाल बताइए, जब रिंग रोड की हम बात करते हैं तो हमारे सामने में दिल्ली की तरक्की की एक रिंग सी बन जाती है और एक ऐसी रिंग है जिसमें अलग अलग समय पर समय की और बीते हुए इतिहास की झाल रहे हैं और वो सब स्तब्ध हैं आज के हालात को देख करके। बताइए रिंग रोड में आप क्या देख पा रहे हैं अवधेश? बिल्कुल अभिषेक, और उस तरक्की के रिंग रोड में, उस रिंग में जो औंधे मुंह है विकास, पूरा चारों खाने चित पड़ा हुआ है। आप तस्वीर देखिए, कमर तक पानी यहां पर मौजूद है और इस पूरी रोड को बंद कर दिया गया है। ये जो रोड है जो सिविल लाइंस लेकर जाती है लोगों को, ISBT लेकर जाती है, फरीदाबाद लेकर जाती है, महत्वपूर्ण ये बिंदु है जैसा कि आपने बताया। लेकिन यहाँ पर हालात ये हैं कि पूरी तरीके से लबालब यहाँ पर पानी भरा हुआ है, आवागमन पूरी तरीके से बाधित हो गया। और सबसे अहम बात, अम्बाला में जिस तरीके से NDRF के साथ बहुत देर तक हम लोगों ने देखा वहां के हालात को, वहां उनका एक टर्म होता है कि पानी में करंट है, यानी कि पानी में हलचल हो रही, पानी बढ़ रहा है, तो वो पानी का करंट यहां पर महसूस हो रहा है। मतलब जो पानी अभी कमर तक है ये निश्चित तौर से अगले कुछ घंटों में और ऊपर आ सकता है। तो देखिए ये पूरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और इतना पानी है कि यहां पर अब गाड़ियां तो चल नहीं सकती, आवागमन कब सुचारू होगा ये भी कहा नहीं जा सकता। लेकिन जहां तक हमारी निगाह जा रही है यहां पर केवल पानी ही पानी नजर आ रहा है। इस रोड से बहुत बार
गुजरने का मौका मिला, लेकिन ऐसा कभी सोचा नहीं था कि ये स्थिति यहाँ पर हो सकती है। तो आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पर पूरी तरीके से आवागमन बाधित है, और आप देखिए जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पर पानी बढ़ रहा है, तो पूरी तरीके से जो रिंग रोड है ये डूब चुकी है। हालांकि दिल्ली सरकार की तरफ से कुछ लोग यहाँ पर तैनात भी किए गए हैं, वो लोगों को समझा रहे हैं कि आगे गाड़ी लेकर ना आए, आगे भी बैरिकेडिंग थी, लेकिन हमें गुजारिश की कि हम देखना चाहते हैं कि दिल्ली का विकास किस तरीके से सराबोर है, तो सराबोर इस तरीके से है कि हम पानी में डूबे हुए हैं कमर तक, और पूरी तरीके से स्थितियां वही है जो आप, हालांकि आप जहां पर हैं वहां पर गर्दन तक पानी पहुंच गया है, लेकिन जो स्थिति है जिस तरीके से पानी में हमें करंट महसूस हो रहा है, निश्चित तौर से यहां पर भी पानी धीरे धीरे बढ़ेगा, क्योंकि अगर हम थोड़ा सा सड़क के उस तरफ की नजर डालें तो वहां पर तेज धारा के साथ पानी आ रहा है, यहां पर आकर शायद थमता है इधर। तो ये तस्वीरें बता रही हैं कि अभी तो केवल कमर तक पानी है लेकिन ये ऊपर जाएगा, लेकिन ये कहा जा सकता है कि मुसीबत बहुत बड़ी है और इससे निजात कब मिलेगी ये भी सवाल है। और सवाल ये भी है कि जब राजधानी का ये हाल है, छोटे शहरों में राजधानी मॉडल का हवाला दिया जाता है, वो छोटे शहर आज अपने आप को खुशकिस्मत मान रहे होंगे कि ऐसा विकास नहीं है तो भला है, कम से कम पानी पर हम चल तो सड़क पर चल तो पा रहे हैं, यहाँ तो तैरने की नौबत है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।